गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है बूढ़ी काकी। हिंदी साहित्य के सम्राट यानी कि प्रेमचंद जी की ये कहानी है। आगे हमने आपको इसको समझा चुके हैं, पर आज हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर पार्ट। कहते ना, चैप्टर समझ आ जाना इतना मुश्किल नहीं है, तो उससे भी ज्यादा मुश्किल तब बन जाता है जब उसको लिखने की बारी आती है। और हिंदी हिंदी इज अ हार्ड वर्क। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो हिंदी आपको रिजल्ट नहीं देगा। आपको लिखना जरूर पड़ेगा, और लिखोगे नहीं तब तक काम भी नहीं होने वाला है। सो बेटर है कि हम आज का ये जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से समझ ले। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर सविस्तार आंसर से। क्वेश्चन नंबर वन है, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ एंड क्यों? उसका उत्तर लिखने से पहले, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया है कि हमें शब्द को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना, सेकंड में रहेगा उसका मेन आंसर, थर्ड में ये जो क्वेश्चन है आप उसको ही रिपीट करोगे। ठीक है, तो हमने आपके लिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन बना के दिया है कि हिंदी सम्राट श्री प्रेमचंद जी के द्वारा रचित यह कहानी बूढ़ी काकी में बुढ़ापे और स्वादेंद्र की तड़प को ध्यान में रखकर बूढ़ी काकी के बारे में बहुत खूबसूरत तरीके से वर्णन किया गया है। रूपा के बड़े लड़का जिसका नाम था मुखराम, उसके तिलक में बहुत सारे मेहमान तथा अन्य लोगों के लिए क्या बन रहा था? पूड़िया, कचौड़िया, मसालेदार सब्जियां परोसी गई थी। सब खा पीकर सो गए, पर बूढ़ी काकी को खाना के लिए किसी ने भी नहीं पूछा। रात को रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा उसका हृदय सन्न रह गया। भूख से व्याकुल बेचारी बूढ़ी काकी जूठी जो पत्तले थी उस पत्तलों में से चुन चुन कर पुड़िया और पुड़िये के टुकड़े बेचारी खा रही थी। यह देखकर उसे अपनी भूल के ऊपर बहुत बड़ा पश्चाताप यानी कि प्रायश्चित हुआ, और उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति है उस संपत्ति में से उसे 200 रुपए की वार्षिक आय यानी इनकम होती है और मैं उसके बदले कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रही हूँ, उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रही हूँ। इसके कारण से रूपा को पश्चाताप यानी प्रायश्चित हुआ। ठीक है, नाउ बात करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषीय अमानवीय, जो मानवीय होता है उसको मानवता कहते हैं, अमानुषीय यानी कि जिसमें मानवता नहीं होती है ऐसा व्यवहार किया एंड क्यों किया? तो सबसे पहले क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन एंड फिर सीधा शुरू करते हैं उसका आंसर। रूपा और बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम के तिलक में पुड़िया कचौड़िया निकाली जा रही थी, मसालेदार सब्जियां बन रही थी, घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी को यह सुगंध से बेचैन हो रही थी। वो धीरे धीरे रेंगती 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 हुई जहां पर ये सारी चीजें बन रही थी उसको कहते हैं कहाड़, वहां पर पहुंच जाती है। इस पर रूपा उसके ऊपर आग बबूला हो जाती, गुस्सा हो जाती है, और उसने काकी को दोनों हाथों से झटक कर उसे बहुत ही जलील किया। उसके बाद एक बार फिर बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती वापस से आंगन में आई, पर मेहमान उस वक्त भी भोजन कर रहे थे। इस बार बुद्धिराम ने उसके ऊपर तिलमिला गया गुस्से के कारण से, और तब काकी को उसने दोनों हाथ पकड़ के घसीटते हुए उसको कोठरी में जाके पटकाया। इस प्रकार रूपा ने और उसका भतीजा यानी कि बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति दोनों अवसर पर अमानुषीय व्यवहार किया। नाउ बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन एंड वो यहाँ पर इस प्रकार से है, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मनसूबे ख्याल यानी कि सपने आए। तो आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके बाद क्या लिखोगे कि बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की तस्वीर आती थी एंड वो ड्रीमिंग करती हुई थी कि ये तस्वीर उसके सामने नाच रही है। पुड़िया लाल लाल होगी, फुली फुली होगी, नरम नरम होगी, और कचौड़िया आय हाय अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मनसूबे बांधे। वह कहती, पहले तो क्या करूंगी, सब्जी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर के साथ खाऊंगी, कचौड़िया रायते के साथ मस्त मजेदार तरीके से खाऊंगी। ये कहती कहती चारों ओर बुरा माने लोग या भला माने, मैं तो सबके पास मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही कहेंगे ना कि इसके विचार में जो बोलना है बोले, पर बस इतने दिनों के बाद जब पुड़िया मिलेगी कचौड़िया मिलेगी तो वो मैं अपना मुंह जूठा करके थोड़ी जाऊंगी, पूरा का पूरा पेट भर के खाऊंगी। इस प्रकार से बूढ़ी काकी ने मन में इतने सारे अच्छे अच्छे ख्याल
खाने के मंसूबे बांध रखे थे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन जो है वो है तीसरा, बुढ़ापा तृषा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो उसका उत्तर है कि हमारे जीवन में मनुष्य को तरह तरह की कामनाएं होती है, बचपन, युवा अवस्था मतलब टीनेजर अवस्था, युवा अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, मनुष्य के अंदर जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति करने की चिंता नहीं होती है, जितनी वृद्धावस्था में ज्यादा होती है कि जल्दी से काम खत्म करो, क्यों? अगर मर गई तो बुढ़ापा आ गया है, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य में जीवन के उत्तर बचने वाली सारी चीज कर लेने चाहती है, वह जीवन में बचे कुचे वर्षों में अपना पूरा करने की यह हालत और ये कोशिश करती रहती है, इसे भले मान अपमान की भी परवाह नहीं होती है, और इसलिए लेखक ने कहा है कि ये उम्र यानी कि बुढ़ापा तृषा रोग का अंतिम समय होता है, लास्ट पड़ा होता है और फिर इंसान की मृत्यु ही होती है। अब बात करेंगे हम टू लाइन आंसर के बारे में, और याद रखिए बच्चों कि जब भी हम टू लाइन आंसर लिखे तो उसके अंदर ये यानी कि कृति का नाम क्या था। अब देखो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पाठ, गद्य, पद्य, गजल, वो याद नहीं रख पाते कि ये क्या है। सो बेटर एक कॉमन चला लेते हैं, कृति का नाम करके लिख दो। फिर कर्ता में भी परेशानी होती है, कवि लिखे या लेखक लिखे, नाट्यकार लिखे या गजलकार लिखे, है ना? तो बेटर है आप कर्ता लिखो, तो कृति का नाम लिखो बूढ़ी काकी, कर्ता का नाम लिखो प्रेमचंद जी, एंड साहित्य प्रकार तो पता ही है कहानी, वो लिखने के बाद हमेशा आप आंसर लिखेगा तो टू लाइन आंसर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन है, बूढ़ी काकी कब रोती थी? तो उसका उत्तर है, बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा कुछ भी अब बचा नहीं था, जब घर वाले उसकी इच्छा के विपरीत कोई भी काम करते, भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम हो जाती तो कोई भी चीज होती तो हमेशा वो जोर जोर से रोती और बिलखती रहती। क्वेश्चन नंबर टू, लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? तो लड़के जब जब बूढ़ी काकी को सताया करते थे तब तरस से कोई उसे चुटकी खाकर भाग जाता, कई उसको कुल्ली उसके ऊपर कुल्ली कर लेता था और इस तरह से बूढ़ी काकी को परेशान करता। क्वेश्चन नंबर थ्री, बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़िया की कैसी तमा नाच रही थी? तो बूढ़ी काकी उसकी जो पुड़ियों की मसालेदार सुगंध थी उससे हमेशा बेचारी बेचैन हो जाती और हमेशा ऐसी कल्पना करती कि मस्त लाल लाल फूली फूली नरम नरम अच्छी सी कचौड़िया और पुड़िया उसके सामने तस्वीर की तरह नाचती रहती। आगे और क्वेश्चन है और उसमें है, थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? बूढ़ी काकी को झूठे पत्तलों में पुड़िया के टुकड़े को देखकर रूपा को बहुत ही ग्लानि यानी कि दुख हुआ, उसने थाली में भोजन की सामने बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा कि काकी उठो भोजन करो और मुझसे आज जो ये बड़ी भूल हुई है उसका बुरा मत मानिएगा, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना है कि मेरे ये अपराध को आप माफ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, वरना अगर ये अपराध की आप मेरे पर सजा दोगे तो हो सकता है मेरा तो सत्यानाश होगा, मेरे बच्चों का भी सत्यानाश हो जाएगा, इस तरह से माफी मांगती है। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हत्या ली थी? तो बूढ़ी काकी के परिवार में उसका एक लौता भतीजा बुद्धिराम ही रहा था, दूसरा कोई नहीं था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के खूब लंबे चौड़े वादे किए थे कि मैं आपको ऐसे रखूंगा, वैसे रखूंगा, ये खाना खिलाऊंगा, और इस तरह से उसने शब्द बात दिखाए थे, सिर्फ सपने ही दिखाए थे, बाकी कभी उसको मदद नहीं की थी। बूढ़ी काकी ने उसे झांसे में आ गई और इस तरह से बूढ़ी काकी ने बुद्धिराम को अपनी सारी संपत्ति दे दी थी। ना उसके बाद आता है आशय स्पर्श करो, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है? उत्तर है, कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है, वृद्धावस्था में अंग प्रत्यंग धीमे धीमे कमजोर होते हैं, जैसे आंख, मुंह, नाक, बचपन में भी ऐसी अवस्था होती है, और हमारा दिमाग भी कमजोर होता है, याददाश्त में भी प्रॉब्लम होते हैं और याददाश्त में पोपले पड़ते हैं, बच्चे भी इसी तरह से बूढ़ों की तरह मान लिया जाता है, दांत गिर जाते हैं, मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह अलग अलग चीज खाने के लिए लपकता है और उसका ध्यान कहीं पर सही तरह से नहीं रहता है, मनुष्य की यही अवस्था है वृद्धावस्था, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य को जीवन में गुने चुने ही प्रकार मिलते हैं, कोई लोग उसको ध्यान देते, कोई ध्यान नहीं देता है, अपनी इच्छा अनिच्छा को महत्व कोई नहीं देता है, और वृद्धावस्था में बचपन की अधिकांश बातों को समझाया जाता है,
इस तरह से कहा जाता है कि बुढ़ापा कहीं ना कहीं बचपन का ही पुनरागमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों का बूढ़ों के स्वाभाविक विद्वेष क्यों था? उसका उत्तर बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में लिखा है, आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आशय स्पर्श करना बहुत जरूरी है, ये आपको 2 लाइन यानी कि 2 मार्क्स के हिसाब से आएगा। आपको अब एमसीक्यू भी आने वाला है, शुरुआत के अंदर सेक्शन ए और बी के अंदर इस तरह से एमसीक्यू आएगा, यानी वहां पर आपको इस तरह से ब्लैंक देंगे अलग अलग। बूढ़ी काकी मैं डैश की चेष्टा शेष बची हुई थी, बुद्धिराम बूढ़ी काकी का डैश था, बूढ़ी काकी को डैश बेचने करती थी, बुढ़ापा डैश रोग का अंतिम समय है, डैश से हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखती थी, रूपा डैश की पत्नी थी और बूढ़ी काकी को डैश की सुगंध बेचैन कर रही थी। अब इसका आंसर, तो इसका आंसर ये है, पहले का आंसर है स्वाद, भतीजा भूख, तृष्णा लाडली, पंडित बुद्धिराम घी और मसाले की। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रामर आ रहा है वो है हाँ या ना में जवाब दो। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बस आपको रिवीजन के हिसाब से काम आ सकता है, समास काम आएगा, 2 मार्क के आने वाला है, जो इसके अंदर है क्षुधा, क्षुधा का मतलब होता है भूख, क्षुधा तरु यानी क्षुधा रूपी पेड़ को कहेंगे, तो यहां पर कंपेरिजम होता है तो कर्मधारय है। सदिच्छा, इच्छा कैसी है? तो कि सद है, अच्छी है, आगे की साइड में क्वालिटी बताई तो कर्मधारय समास आया। क्षुधा वर्धक, जब भी वर्ड के एंड में डिस्क्राइब करने के लिए वाला या वाली वर्ड आता है तो हमेशा उपपद समास लिखिएगा, क्षुधा में वृद्धि करने वाला क्षुधा वर्धक, है ना? तो ये तत्पुरुष समास का ही एक पार्ट है, याद रखिएगा, आगे हम समास का एक अलग से ही और आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। नाउ यहाँ पर है शॉर्ट आंसर्स है, बुढ़ापे में काकी की समस्त इंद्रियों को केंद्र कौन सी इंद्रिया थी, और इसके सारे आंसर यहाँ पर 1 बाय 1 दिए हैं, इसको याद रखिएगा। दूसरा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दिया गया है एमसीक्यू का लिंक जो है गूगल फॉर्म में, आप उसको भी क्लिक करिए, अटेंड करिए और सारे मार्क्स प्राप्त करिए और चेक करिए कि आपको कितना आता है ना? तो ये प्रश्नोत्तर बहुत ही शॉर्ट है, और कहते हैं ना छोटे छोटे तरीके से ज्ञान की हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एमसीक्यू दिया हुआ है कि बुद्धिराम ने घर पूड़िया बन रही थी क्यों, क्योंकि लड़के मुखराम का तिलक का उत्सव था, है ना? घी और मसाले की सुगंध ने क्या हुआ, तो के बूढ़ी काकी को बेचैन कर दिया। तो इस तरह से आपको एमसीक्यू आने वाले हैं, उसकी पूरी तैयारियां करिए। नाउ यहाँ पर है मीनिंग्स यानी पर्यायवाची शब्द, दीनता का मतलब होता है दरिद्रता, गरीबी को कहते हैं, वाटी का मतलब उद्यान वन, छोटा सा वन, इसको उपवन भी कहते हैं, बागीचा भी कह सकते हो, इच्छा अभिलाषा, नेत्र आंख द्रुग नयन, है ना, इसको कहते हैं, वर्षा मतलब बारिश, भूल यानी गलती, स्वादिष्ट यानी जायकेदार, बहुत अच्छा शब्द है, मेहमान अतिथि को कहते हैं, निर्लज्ज है बेशरम है, क्षुधा यानी भूख, ये थे पर्यायवाची। अब बात है विलोम यानी कि ऑपोजिट है, अनुराग का मतलब होता है प्यार, तो उसका ऑपोजिट आया विराग, लज्जा निर्लज्जता, अल्पाहार दीर्घाहार, नाश्ता करते हैं ना उसको अल्पाहार कहते हैं, दोपहर का खाना दीर्घाहार कहते हैं, ज्यादा खाना होता है, परिमित अपरिमित, अनुकूल प्रतिकूल, अन्याय न्याय, सज्जन खराब इंसान को कहेंगे दुर्जन, सुलभ आसान को कहेंगे दुर्लभ, जो आसानी से नहीं मिलता है, शकुन अपशकुन हो गया, निंद्रा अनिंद्रा यानी कि नींद, मजेदार बेमजा, और यजमान जिसके घर पे हम जाते हैं और मेहमान जो आता है। तो ये था हमारा आज का ये चैप्टर। अब ये चैप्टर को टेस्ट के लिए जो मैं आपको बताना चाहता था वो कहाँ पर मिलेगा, तो नीचे के साइड में यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है वहां पर आप, आपको ब्लू कलर का जो दिखाई देता है इसको आप क्लिक करोगे तो तुरंत ही आपको इसका एमसीक्यू वाला टेस्ट मिल जाएगा, अटेंड करेगा और मुझे बताएगा कितने मार्क्स आपके आए।